इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे ही हमारी आईएफपी ऑन हो जाती है फर्स्ट टाइम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं, जैसे डेट एंड टाइम हो गया, उसके अलावा नेटवर्क कनेक्शंस, कैसे हम वाईफाई कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल फोन से या हॉटस्पॉट से, उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके बोर्ड पर ही यहाँ पर आपको क्लिक करना है टाइम के ऑप्शन पर। आप डायरेक्टली जो टाइम की सेटिंग है उसमें आप रिडायरेक्ट कर जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइम जोन जो है वो यहाँ पर वेनेजुएला का लिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम इसका ऑप्शन ऑन हो सकता है कि ये ऑफ हो, तो इसको आपको इस तरीके से ऑन करना है। जब ये ब्लू हो जाए इसका मतलब ये ऑन है। फिर ड्रॉप डाउन पे जाना है यानी कि टाइम जोन पर, और उसके बाद आपको सर्च करना है कोलकाता, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम हमारा कोलकाता का है GMT प्लस 5:30। तो ये हमारा टाइम और डेट आप देख सकते हैं सेट हो चुका है 15 मई 2024, और इस समय 9:46 हो रहा है। तो हमारा टाइम और डेट यहाँ पर सेट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हम वाईफाई कनेक्शन को कैसे अपने मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में टूल बार दिया हुआ है, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है इसके यहाँ पर बॉटम पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है सेटिंग। सेटिंग्स में आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन जो है नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शन का है। तो यहाँ पर सबसे पहला है हमारा ऑप्शन वाईफाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाईफाई जो है हमारा पहले से ऑन है। इसका मतलब अगर ये ऑफ होता है तो आप इसको ऑन करेंगे सबसे पहले, और फिर जो भी अवेलेबल नेटवर्क्स होंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर ये अवेलेबल नेटवर्क है, आप जिस भी नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं आप उस नेटवर्क पर टैप करेंगे, और उस नेटवर्क पर पासवर्ड जो भी हॉटस्पॉट का पासवर्ड होगा उस पर आप क्लिक करके ओके कर देंगे, आपका वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा। तो आईएफपी से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए अगली वीडियो देखना ना भूलें।